प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में आज यानी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और इस अवसर पर रोहतक के विकास भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त कैप्टन मनोज मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई गई। उपायुक्त ने कहा कि मौजूदा समय में बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। वे आज हर मोर्चे पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में समाज की सोच बदलने की जरूरत है। बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन है ये बताने के लिए कि लड़की किसी रूप में भी कम नहीं है और लड़की के बगैर घर घर नहीं होता, मकान रहता है केवल। और लड़की देवी भी है, माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, अनेकों रूप हैं उसके। और वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, शारीरिक रूप से भी मजबूत है और जीवन की हर विधा में, हर फील्ड में वो आगे है, कहीं भी पीछे नहीं है। मुद्दा केवल सोच का है, जो सदियों से, बरसों से, शताब्दियों से दिमाग में घर कर गई है वो सोच कि लड़का अच्छा होता है और लड़की खराब होती है। इस विकृत सोच की वजह से व्याधियाँ आ गई, जैसे कोई दहेज की बुरी प्रथा है, कोई भ्रूण हत्या की बुरी प्रथा है, बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार है, उनका शारीरिक शोषण है और उनके साथ बल प्रयोग है। ये सारी व्याधियाँ इस सोच की वजह से आई हैं। सरकार की चेष्टा है कि समाज में एक परिवर्तन आए, लोगों को समझ में आए, उनकी मानसिकता बदले और बेटियां ज़्यादा महफूज और सुरक्षित रहें और हम उनको पढ़ाएं, सिखाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। बस इतना सा मकसद था इसका। लोगों के लिए मैसेज यही है कि पुरानी जो दकियानूसी बातें हैं उनको त्यागें और इधर उधर की अनर्गल बातों में न आएँ। और जो गैर वाजिब और गैर कानूनी तरीके हैं, ये दलालों इत्यादि के माध्यम से भ्रूण लिंग जाँच इत्यादि, वो न करवाएँ। भ्रूण को न मरवाएं कोख में, गर्भ में, और बच्चियों की रक्षा करें, उनको पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, काबिल बनाएं और वहीं उनका मान बढ़ाएंगे। उपायुक्त मनोज की बात सही तो है, क्योंकि आज के दौर में बेटियां बेटों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। घर के चूल्हे चौके से बाहर निकलकर देश निर्माण में अपना सहयोग भी दे रही है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।